हमारे इंडिया में आपको ये मिलेगा, पीनट्स आपको मिलेगा 5 रुपये का, लेकिन नेपाल में अभी हमने खरीदा तो हमें 15 रुपये का मिला है। तो म्यूजियम कहाँ पर है? म्यूजियम अच्छा था। भाई साहब ये पूरा लोहे का है ना जी, ये पूरा लोहे का बना हुआ है देखो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बड़े हुए दोस्तों, आज हम लोग नेपाल में ही हैं। तो नेपाल में हमारा आज दूसरा दिन है और हम लोग ना फिर जाने की सोचेंगे अभी, लेकिन मौसम जो है ना बहुत खतरनाक मौसम है। कल तो खतरनाक वाली बारिश हो गई है, रात भर बारिश थी, लग रहा 2-3 बजे वो बारिश होगी मुझे लग रहा है, लेकिन फिलहाल तो अभी हम लोग अभी मौसम अभी जो है ना बहुत ही ख़राब, मतलब बहुत मतलब अंधेरा है पूरा बाहर, और टाइम हो गया आपके 6 बज चुके हैं, तो मौसम भी जो है ऐसे लग रहा है मुझे कि बहुत खतरनाक मौसम हो रहा है, मतलब बारिश आने के चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन धूप तो मुझे लग रहा नहीं आएगी जहाँ तक है, पूरा अंधेरा है और बादल लगे हुए हैं, मौसम काफ़ी ख़राब है, और हमारी चाय भी आ चुकी है हमारी। एक बार आपको बाहर का मौसम दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है आपका नेपाल महेंद्रनगर का सुबह का 6 बजे का मौसम और नज़ारा। मौसम देखो आप, मौसम है ना ख़राब, बाइक जो है अंदर पार्क की थी, बाइक बाहर आ गई है। तो चाय पीते हैं, चाय क्या मिलता है आपको सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, चाय पी आ तुम? तो चाय का आनंद लेते हैं। नेपाल की मेरी ये पहली चाय है, हम नेपाल में कहीं चाय नहीं पी अभी तक। चाय ठीक है, मैंने उनको बोला था कि थोड़ा चाय स्ट्रांग बनाना और बढ़िया बनाना। प्लस जो है यहाँ 20 रुपये का मिल रहा है, मगर यहाँ पर जो है ना सामान बहुत महंगा रहता है, हमारे पास 10 रुपये का मिलता है, उनको हमारा फ्री भी आता है क्वालिटी के साथ ना। तो ये है दोस्तों आपका नेपाल महेंद्रनगर का बस अड्डा। तो दोस्तों सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं पहुँचा हूँ अभी आपका महेंद्रनगर नेपाल का बस अड्डा। मैंने कहा देख लेते बस अड्डा कैसा है, क्या है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है, काफ़ी बसें हैं यहाँ पर। तो ये है आपका महेंद्रनगर का बस अड्डा नेपाल। तो दोस्तों मैं दे रहा हूँ नेपाल में, ये मेरी दूसरी चाय है। तो दोस्तों इंडिया का टाइम हो रहा अभी आपका 9:30 और नेपाल का हो रहा है आपका 9:45, तो 15 मिनट का फ़र्क है। 15 मिनट जो है नेपाल की घड़ी जो है आगे है हमसे, तो अब निकलते हैं, हम लोग भी घूमने के लिए जा रहे हैं, तो निकलते हैं सीधा आगे। तो मालिक साहब इन्हीं का होटल है, तो मालिक साहब से पूछते रहे यहाँ के बारे में, घूमने लायक क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, तो साहब से पूछा। नमस्कार, आप यहाँ क्या कहते हैं? नमस्कार सर, हमारा प्रणाम बोलते हैं। आपके नेपाल में क्या बोलते हैं? नमस्कार ही बोलते हैं। आप प्रणाम? प्रणाम ही बोलते हैं। अच्छा, एक ही बात है। हुजूर का क्या? हुजूर का मतलब हाजी। अच्छा, और दाई? बड़ा बड़ा भाई। अच्छा अच्छा, तो चलो भाई साहब हमें बता दीजिए यहाँ के बारे में, नेपाल में कहाँ कहाँ घूमने लायक क्या है ना? नेपाल में महेंद्रनगर के अंदर तो 3-4 मंदिर हैं। अच्छा, और यहाँ वन्य जंतु आरक्ष है, और आगे जाके झोलंगे पुल है, बड़ा वाला सबसे लंबा पुल है, और अभी नया बना हुआ वायरल रोड है, एयरपोर्ट है वहीं पर। अच्छा, और यही सब है। और टाइमिंग का कोई फर्क है क्या टाइमिंग का यहाँ? नहीं, यहाँ 15 मिनट का फर्क होता है। हाँ है ना, 15 मिनट का ना, देखा ना मैंने। हाँ 15 मिनट का। अच्छा, और क्या कहते हैं आपका होटल का नाम क्या है? मेरा होटल का नाम सौगात होटल। सौगात, कभी भी कोई आता है तो मतलब सही रेट में लगा दोगे ना? हाँ सही रेट, सही रेट। चलो मैं बता दूँगा। और टाइमिंग जो अभी तुम्हारे पास टाइम कितना दिखा दोगे एक बार? हमारे यहाँ का टाइम, हाँ यहाँ का टाइम 9:47। देखो देखो ना दोस्तों, नेपाल का टाइम है 9:47 नेपाल का ना, लाइट को देखना। हाँ 47 मिनट बंद हो गया। तो ये है नेपाल का टाइम, देख लिया आप 9:47। तो कहाँ को जाना है? हाँ जी,
तो हम भी ना आप हमारा नेपाल में जो है आपका आज दूसरा दिन है नेपाल में, महेंद्र नगर में हम लोग घूमेंगे। तो फिलहाल आज के राइडर होंगे ऐसा करना ना बात सुनो। तो ये है माही पहाड़ी ब्लॉक की बाइक, जा रहे हो पूछते हैं थोड़ा थोड़ी घूमने लग जाते हैं। अभी कहाँ को जाए हम घूमने के लिए? इधर पुल है। पुल ब्रिज? अच्छा बहुत बड़ा है। कहाँ पर है वो? दो दराज। कितना किलोमीटर कहाँ से? 10 किलोमीटर। और क्या घूमने लायक? और इधर लिंगा है, इधर बनते ही है, तार वार है, इधर मंदिर। हाँ मंदिर। ओके थैंक यू। चल चलो। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं आपका महेंद्र नगर से, जहाँ पर हम लोग रुके थे ना, तो वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं आगे को। एक तो हम बता रहे हैं ब्रिज, आपका पुल और मंदिरें हैं काफ़ी। चलते आगे को देखो कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग। नेपाल महेंद्र नगर में तो माही पहाड़ी ब्लॉक भी गए हैं, उनकी बाइक भी गई है आज नेपाल में, और साथ में गए हैं हमारे सचिन बाबू। कपिस तो कस्टो था रामपुर चौधर भाई। देखो बेटे, देखो आप नेपाल गया है वाटर क्रॉसिंग। यहाँ ट्रेन है ना? सीधे स्टेट में पक्का ना? हाँ है। अच्छा उसी में जाना है? हाँ वन्य जीव जंतु वाला वो एनिमल एनिमल जू जू किधर है? भाई को भी ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, और बट देखो क्या होता है, वो भी स्कूल का बच्चा है ना, स्टूडेंट है, वो भी क्या पता ना। देखिए पूछ लेने फायदा है ना, क्योंकि गलत चले गए तो बवाला हो जाएगा। तो ये रही नेपाल की आपकी बुलेट। राधा कृष्णा मंदिर, जय श्री कृष्णा। नेपाल में जो है ना मंदिर बहुत हैं, उन्होंने बताया भी हमें कि मंदिर बहुत है। अगर क्या कर बाइकें भी सेम है हमारे वहां की। ये देखो खटीमा हल्द्वानी जैसा लग रहा है, देखो नेपाल का पेट्रोल पंप है। मैंने यहाँ पर एक चीज़ ये देखी कि मतलब जैसे हमारे वहाँ महिलाएं जो होती हैं वो आपकी स्कूटी चलाती हैं, लेकिन नेपाल में मैंने ये देखा कि अधिकतर लोग जो हैं यहाँ पर महिलाएं हमारे वो जो है साइकिल से सवार कर रहे हैं, ज़्यादा साइकिल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर लोग महिलाएं। हमारे वहाँ स्कूटी यूज़ करते हैं, लेकिन नेपाल में जो है महिलाएं अधिकतर साइकिल से यूज़ कर रहे हैं, साइकिल में सफ़र कर रहे हैं।
अंकल जी नमस्कार। अंकल जी वो पुल कहाँ होगा? पुल हाँ जो ब्रिज, हाँ जो बड़ा जो फेमस पुल हम इंडिया से है ना, यहाँ से। अच्छा यहाँ से ना सीधा वहाँ भी देखना, उससे ऊपर आना रास्ता ही होगा। मतलब ऐसा अभी जाएंगे सीधा जाएगा वहीं पर। ठीक है, थैंक यू अंकल। इसका मतलब हम लोग ना सही जा रहे हैं ना, हमारे पास गूगल मैप है ना कुछ है, क्योंकि यहाँ सिम ही काम नहीं कर रही है। होटल में वाई फाई काम कर रहा है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं ना, हमने पूछा भाई साहब से, हमने कहा बता दो। तो अंकल जी को चलती गाड़ी में हमने रोक दिया, उनको भी साइकिल से जा रहे हैं तो हम लोग को रोक देके बता दो हमें यार, तूने बता दिया तो हम इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। इंतज़ार था पुल का, तो यही पुल है, देख लीजिए आप लोग भी। तो बहुत बड़ी पुल है, मतलब देखो बाइक भी आ रही है वहाँ से। तो फिलहाल तो हम लोग भी जो है ना अब जाते हैं उधर को, पूछते हैं एक बार उधर को क्या जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, गाड़ी कहाँ रुकनी क्या रुकनी है, या बाइक लेके जाएं क्या करें, तो उनसे पूछते हैं एक बार। भाई साहब ये क्या है? अबे डर लग रही मुझे तो भाई। भाई साहब मैंने पहले पूछा, मैंने ना पूछना ठीक रहता है ना, अगर हम लोग नए हैं यहाँ पर और दूसरे कंट्री में हैं तो पूरा पूछना उनसे सही रहता कि इसमें जाना अलाउ है नहीं है। तो उनसे मैंने कंफर्म नहीं करना, हाँ चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, कागज ओके होने चाहिए। तो ये झूला पुल है, ये हमारे पिथौरागढ़ वाला झूला पुल होगा। तो ये पिथौरागढ़ वाला झूला पुल नहीं है, ये नेपाल का ही अपना एक झूला पुल है, जो हमारे इंडिया में भी है पिथौरागढ़ में झूला पुल। भाई साहब ये क्या है? चलो कुछ तो देखा हमने ना। भाई साहब ये पूरा लोहे का है ना, अभी ये पूरा लोहे का बना हुआ देखो। सिर मारी क्या? तो आराम से यहाँ केवल बाइक ही बैठ जाएगी लग रहा है ना। तो पुल हो गई खत्म। दोस्तों हम लोग वापस जा रहे थे ना, महेंद्रनगर जाने के लिए रास्ता भी था लेकिन लंबा था, तो इसलिए हम जहाँ से आए हैं वहीं जाने के लिए इस रास्ते से जाएंगे। ड्राइवर को दिखा दे। तो ये है ड्राइवर साहब। तो माही पहाड़ी ब्लॉग चला रहे हैं आज बाइक आपकी नेपाल में सब। तो दोस्तों आज जब मैं गया हूँ नेपाल, तो नेपाल के झूला पुल में चला रहा हूँ बाइक। भाई ये पुल ऐसी है ना, मतलब नहीं ये डामर वाली नहीं है, ये पूरा लोहे की है।
पहाड़ी ब्लॉग जो है आपकी नेपाल की सड़कों पर राइड कर रहे हैं, और जैसे राइड करते हैं आगे से मुर्गी आ गई। तो क्या खूबसूरत नेपाल है, देखो आप उसको, काफ़ी खूबसूरत है नेपाल। और लग भी नेपाल में हम लोग, ऐसा लग रहा है कि हल्द्वानी रुद्रपुर में हम लोग, ऐसा लग रहा है। पर दोस्तों हम लोग वापस अपने रूम की तरफ आ रहे हैं। दोस्तों ये है हमारी ड्यू, जो इंडिया में हमें 20 की मिलती है और यहाँ ही 60 रुपये की है। महंगा तो है यार, हल्का फुल्का महंगा तो है ही। तो इस टाइम हो रहा है आपका, टाइम हो रहा है यहाँ पर नेपाल में 1 बज गया है, और ना मौसम जो है फिर से ख़राब होने को जा रहा है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं आपका म्यूजियम जा रहे हैं, हम पुल से जो झूला पुल था वहाँ तो हम लोग घूम के आ गए, और उसके बाद ना उसी के आगे जाकर ना एक बहुत बड़ा पुल और है जो बन रहा है अभी 4 लेन वाला, तो उसमें हम लोग गए नहीं क्योंकि हम लोग ना हमें पता नहीं था मतलब उसके आगे है करके। दोस्तों म्यूजियम भी हमें मिल नहीं रहा यहाँ पर, क्योंकि ना नेट मेन चीज़ क्या है ना, नेटवर्क की दिक्कत है। मतलब गूगल मैप से तो हम कहीं ना कहीं सर्च मार लेते कहाँ पर है क्या करके, लेकिन रूम से उसने 50 मीटर दिखाया हमें लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन अब क्या करें। और गर्मी इतनी हो रही है ना यहाँ पर, गन्ने का जूस पी रहे हैं यहाँ पर। अब 50 मीटर दिखाया था लेकिन दिख नहीं रहा कहीं पर ना म्यूजियम कहाँ पर करके ना, और मतलब मेन जो सिम काम नहीं कर रहा है, गूगल मैप से ढूंढ लेते हैं हम लोग। रूम से देखा तो हमने वहाँ पर वाईफाई है, वहाँ से देखा तो 50 मीटर दिखा रहा था, लेकिन बर्ड जो दिखा रहे हैं यहाँ पर मिल नहीं रहा कहीं पर, तो इसलिए अब हम बहुत थक चुके हैं, अब गन्ने का जूस पी रहे हैं यहाँ पर। कितना हो गया? 70। इंडियन अगर हमारे इंडिया का होगा तो कितना होता अभी? इंडिया का कितना होगा? इंडिया का हाँ 45। इंडियन करेंसी चलती है ना यहाँ पर? वो म्यूजियम कहाँ पर है? म्यूजियम अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। दोस्तों हमने जो है आपका गन्ने का जूस भी हमने पी लिया है। म्यूजियम शायद ना हम सही जा रहे हैं आगे को, म्यूजियम जस्ट आ गई है, तो आप जाते देखो क्या होता है, एंट्री मिलती है देखो। आपका ये है आपका महेंद्र नगर नेपाल का म्यूजियम, चलते अंदर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर रेट लिखे हुए हैं, क्या कहते हैं आपके, अगर हम लोग ऐसे ही घूमते हैं तो 100 रुपये, अगर हम वीडियो बनाते हैं फोटोग्राफी करते हैं तो उसका आपका 1000 रुपये है हाफ डे का, और अगर पूरा दिन बनाते हैं वीडियो तो 2000 रुपये है। और जो टिकट वाले भैया है ना, वो यहाँ पर है भी नहीं, तो पता नहीं कहीं गए हैं, अब किस्मत हमारी ख़राब है तो भैया भी यहाँ पर नहीं है। दोस्तों ऐसा है ना, हम लोग तो घूमने के सोच रहे थे म्यूजियम के अंदर, लेकिन हमने वहाँ पर सब कुछ देखा, लेकिन बट जो टिकट है ना काउंटर, तो टिकट जो जहाँ से टिकट मिलता है हमें, तो उस काउंटर पर कोई है नहीं, वहाँ पर बंद है, लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है यहाँ पर, तो इस कारण से हमने थोड़ा वेट किया, तो वेट करने के बाद भी कोई वहाँ पर आया नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया मतलब वहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं कि हम लोग आगे वापस। दोस्तों ये है आपका नेपाल का पेट्रोल पंप, देख लीजिए आप लोग। भाई साहब इतनी खतरनाक गर्मी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ, इतना पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार यहाँ पर ना। अब इधर रूम की ओर जा रहे हैं हम लोग, खाना ना खाते हैं, लंच करते हैं, फिर आराम करते हैं, गर्मी बहुत है।
तो लंच भी हमारा आ गया है। मैं ले रहा हूँ आपका दाल चावल और सचिन भाई ले रहे हैं रोटी और दाल। तो थोड़ा सा भोजन करते हैं। इसमें लिखी है MRP आपकी 45 की MRP लिखी है इसमें। क्या ढूंढ रही है? दो बज चुके हैं देखो। तो ये पीनट मसाला जो है ना, यहाँ 15 रुपये का मिला, हमारे वहाँ 5 रुपये का है, तो नेपाल में जो है 15 रुपये का। मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर हर चीज़ महंगी है। तो शाम के बज रहे हैं आपके 5, तो ये है आपका शाम के 5 बजे का नज़ारा नेपाल महेंद्र नगर का। ये टैक्सी है यहाँ की, तो टैक्सी अलग ही नहीं है देखो। ट्रैफिक बहुत है यहाँ पर ना बाइक का, महिलाएं भी चलाती हैं बाइक है। तो दोस्तों ये है नेपाली चाउमीन। इसमें चाउमीन में ना यहाँ पर इन्होंने डाले थे चने। नेपाल का बस अड्डा घुमाते अंदर घुमाते एक बार कैसा लगा। देहरादून से दिल्ली और आपका दिल्ली से कहाँ, काठमांडू, हरिद्वार से आनंद विहार और नारायण घाट, दिल्ली आनंद विहार। तो दोस्तों यहाँ पर सारे दुकानें बंद हो चुकी हैं। 8 बजे ही ना यहाँ पर जो है दुकान ना क्लोज कर देते हैं, तो क्लोजिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है रात के 8 बजे बाद। धीरे 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 सारी मार्केट जो है बंद हो गई यहाँ पर। और टाइम और अभी आपके 8 बज रहे हैं शाम के। हमारे इंडिया में ये मिलती है आपकी 40 की, इससे भी वो बड़ी होती है वैसे, वो 40 की मिलती है, लेकिन यहाँ है इससे छोटी है ऊपर से, और ये मिल रही है 85 रुपये की। दोस्तों नेपाल में एक ये चीज़ है ना, मतलब 10 बजे जो है ना सारी दुकानें बंद हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो, रेस्टोरेंट हो, चाहे वैसे किराने की दुकान हो, तो कोई भी चीज़ की दुकान हो, तो जो है आपका 10 बजे सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। पुलिस वाले यहाँ पर घूमने या उनको बंद कराने के लिए पुलिस वाले आ जाते हैं कि ये दुकान बंद करो, ये करो करके। तो 10 बजे बाद यहाँ पुलिस घूमने स्टार्ट हो जाती है कि दुकानें सारी दुकानें बंद करो करके। तो मैंने कल कुछ देखा भी और यहाँ बोला उन्होंने कि ऐसी बात है, लेकिन कल